उतावला पनवा। मम्मी बोल रही है बहुत उतावला हो रहा है दीदी। सही अरे इसको पोछो। ये देखो एक गाना क्या था, छलकत हमारा हैप्पी रक्षाबंधन चप्पू। ते चुप, तोर माई चुप, तोर बाप चुप। हिंदी नहीं इंग्लिश बोलो। ओहो हमने वेजिटेबल्स चॉप किए, हम सब्जियां नहीं काटते, हम वेजिटेबल्स चॉप करते हैं। गेस व्हाट, इस साल हम राखियां खुद से बना रहे हैं। खुद से कहने का मतलब है घर पर बना रहे हैं, मतलब राखियां घर पर बना रहे बेसिकली, मतलब मेरे को नहीं पता बेसिकली। ये आइडिया मेरा था। हाँ ये आइडिया काइंड ऑफ इनका ही था, क्योंकि हर साल क्या होता है ना कि हम लोग राखियां बाहर से खरीदते हैं जैसे सारे लोग खरीदते हैं, तो इस बार रानी ने कहा कि क्यों ना लॉकडाउन में हम लोग राखियां खुद से बनाए, कुछ अलग करें, क्योंकि ऐसे भी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं। और बेसिकली हमें इंटरेस्ट तो है नहीं इस चीज़ में, क्योंकि हमें आता भी नहीं है। तो जो मेरी मम्मी है उन्हें क्राफ्ट वगैरह बहुत पसंद है, सिलाई बुनाई कढ़ाई, उसकी क्लासेस भी इन्होंने ली हुई है, तो ये बहुत अच्छा बनाती है। तो हम सब मिलकर राखियाँ बनाएंगे। हम सब क्या मिलकर राखियाँ बनाएंगे, मेन राखी तो यही बनाएगी, हम लोग तो इसके स्टेप नहीं है। तो देयर शी इज, और वो अपने काम पर लग चुकी है। रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है एक सेकेंड। इस गोल्डन से गोटे में वो धागों में आई डोंट नो इट इज सिंगुलर और प्लूरल, धागे में मोतियों को फिरोकर वो बना रही है। और देयर शी इज, ये बगल में फुटेज के लिए वीडियो में आने के लिए बैठी हुई है ये लड़की। जितने भी हमारे वेस्ट थे, बीट्स और मोती और पर्ल्स, उन्हीं को हम लोग यूज करके राखी बना रहे हैं। एक तरह से बहुत अच्छा आइडिया है। रिसाइकलिंग कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट नहीं मतलब जो हमारे पास हार वगैरह थे वो सब टूट गए थे, उनको हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो राखी बनने के बाद अभी वी आर गोना मेक गुलाब जामुन, और इस गुलाब जामुन को हम लोग अभी बनाकर फ्रिज में रख देंगे ताकि कल के लिए हम लोगों को हेल्प हो जाए, क्योंकि कल बहुत काम है, लाइक बहुत ज़्यादा काम है, तो कल का हमारा बर्डन कम हो इसलिए अभी ये गुलाब जामुन बनेगी। यहाँ पर हमारा डो हो गया है रेडी। आप देख सकते हो ना ये किस तरह से गूंदा हुआ है, मतलब ये चमकना चाहिए बेसिकली, लगे कि ये बेचारा पूरा पार्लर से मेकअप करके आया है और इसका फेस ग्लो कर रहा है, हाईलाइट हके जैसे, अंडरस्टैंड। यहाँ रेडी हो रही है मेरी राखी एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी, बस इसमें थोड़ी सी उसको क्या बोलते हैं, इसका सजना संवरना बाकी है, इसमें गोटे और सितारे चिपक रहे हैं, बस उसके बाद मेरी राखी रेडी हो जाएगी। तो अभी रात के कितने बज रहे हैं, 12:15, अभी रात के 12:15 हो रहे हैं। हम लोग थक हार गए हैं काम करके, हमने कल के लिए इडली का बैटर तैयार किया, हमने गुलाब जामुन का भी कुछ किया, डो बनाया, हमने राखी बनाई, हमने डिनर बनाया, हमने डिनर किया, उसके बाद हमारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, और अभी हमें मेहंदी भी लगानी है। सीरियसली मेहंदी लगानी है, मुझे लगानी है, हाँ इसको लगानी है, अगर मेरे को मन किया तो मैं भी लगवा लूँगी। आप देख सकते हो ना मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं, इतना छोटा छोटा आँखें तो कैसे खुलेगा, और मैंने काजल लगा लिया तो ये और ऐसे हो गई है, बट कोई बात नहीं, यार चलो बहुत थक गया। चलो अब मेहंदी लगा के मेहंदी। ओ शिट, वाह बिना कटे ये निकल रहा है, इसे बहुत ही निकलने की चुल मची हुई है। अरे ये खुद निकल रहा है दीदी, देखो ये खुद निकल रहा है दीदी। उतावला पनवा। मम्मी बोल रही है बहुत उतावला हो रहा है दीदी। सही अरे इसको पोछो, ये देखो जवानी अभी तक खत्म नहीं है, जवानी की उबाल। एक गाना क्या था, छलकत हमारा जवानी। खैर तो इनकी मेहंदी तो लग गई, ये है बैक और ये है फ्रंट, जिसका गोला हो गया है टेढ़ा। टेढ़ा है पर मेरा है, बट कोई नहीं बहुत अच्छी है, और ये नींद में बेचारी इसीलिए मेरा गोला टेढ़ा हो गया, मेरे को समझ नहीं आया पता है, बट ये ओवरऑल अच्छी है। इसकी कोटिंग बाकी है, बाकी सूख जाएगा तो फिर मैं सो जाऊंगी रात को। और अभी ये लगाएगी मेरे हाथों में मेहंदी,
यस पूरा बदला लिया जाएगा पूरा। तो पिक्चर तो अभी बाकी है, प्लीज डोंट मिस। कितना हगती है मेरे हाथों में बहुत बुरे तरीके से कायम चूर्ण खाकर। अब मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, आप लोग देख ही लेना। इस लड़की ने मेरी ये पुच्छी लंबी कर दी फूल की। जा जा। अरे इसको कट कर देना, हम फिर से लगाएंगे। ये क्या कर रही है तुम? साफ मैंने मजाक में कहा था नहीं, नहीं, नहीं। कि तुम टट्टी करने वाली है, तुम तो सीरियस ले ली। हम बहुत अच्छा लगाते हैं एक मुकाबले का, यू नो, कांटी की टक्कर। ओके यो बेब, देख के कॉपी करना है पेन से, करो। अच्छा बिंदु बिंदु ना, कहाँ है बिंदु बिंदु? बिंदु बिंदु भी, बिंदु बिंदु भी पेन से बनाएगी? अरे नहीं रुको एक मिनट, यहाँ हमको कुछ और अपना चाहिए, यू नो। बोलना पेन घुमाने नहीं आ रहा है, अपना टैलेंट चाहिए मेरे को। डायरेक्टली बोल पेन घुमाने नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। बोलेगा कि कोई, यू नो, उसको क्या बोलते थे, प्रो। ये प्रो की मेहंदी है, प्रो की मेहंदी, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके तुम्हारा तो कितना अनइवन है। अच्छा मेरा देखो कितना अच्छा है। तेरे को शर्म आ रहा बोलने में थोड़ा भी? थोड़ा भी प्राउड ऑफ यू आयुषी, प्राउड ऑफ यू। अब इसके बाद दीदी बताओ ना क्या करें। तुम तो प्रो हो गई है रानी। नहीं काट के बताओ ना क्या करेंगे। एक काम करो, तुम पेन से पहले ड्राइंग बना दो, उसके बाद ना। तो फाइनली इतने सालों के बाद मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई और यहाँ मैडम को ऑटोग्राफ दिया आयुषी, इन्होंने ऑटोग्राफ दिया है। तो कैसा लगा आपको मेहंदी लगाकर? थक गए, इतना डिफिकल्ट, यू नो, डिज़ाइन था। ओह माय गॉड, ये बहुत डिफिकल्ट डिज़ाइन है। ये सुधा चंद्रन की बिंदी और कोकिला मोदी की। लेकिन अच्छा लगा है दी फर्स्ट। हमारी मेहंदी अच्छी दिख रही है। चलो गाइज अभी हम जा रहे हैं सोने, कल बात करते हैं। मैं कर रही हूँ फिल्म। गुड मॉर्निंग गाइज, सो इट्स राखी और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। यहाँ पर मम्मी ने कल जो राखियाँ बनाई थी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो उसको कंप्लीट कर रही है। और यहाँ पर रानी खाने की तैयारी कर रही है। कहाँ मेरे को दिख नहीं रहा खाना दिखाना। यहाँ रानी सब्जियाँ काट रही है। आज का प्लान है कि हम इडली और सांभर बनाएंगे और गुलाब जामुन बनाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेश होने। फ्रेश होने के बाद पहले हम लोग राखी बांधेंगे, पूजा होगी, उसके बाद ही फिर नाश्ते की तैयारी होगी। मेरी माताजी ने दोनों राखियां बना ली हैं, मेरी वाली और रानी वाली। रुको मैं दिखाती हूँ। ये रही हमारी दोनों राखियां, यू कैन सी, एंड ऑल थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लेडी। तो अगर आपको ये राखियां पसंद आती हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। अब हम जा रहे हैं आरती की थाल बनाने, और हर एक साल हम आरती की थाल घर पर ही खुद से बनाते हैं, मेरी मम्मी बनाती हैं, और हम कभी रेडीमेड नहीं खरीदते। तो उसके लिए हमें चाहिए गूंदा हुआ आटा, आटा का डो। ये आटा गूंद कर हमने रात में ही फ्रिज में रख दिया था ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी या फिर मतलब ये थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा लूज नहीं रहे। ये रहा सूखा आटा थोड़ा सा ताकि ये थाल में चिपके नहीं। ये रहा गुलाल, और इन तीन चीज़ों के हेल्प से अभी आप देखते जाना कि कितनी खूबसूरत राखी की थाल तैयार होती है। होममेड दिए हम कुछ भी मार्केट से नहीं लेंगे, और दो दिए बन चुके हैं, तीसरा दिया इज इन प्रोसेस जो कि मम्मी बना रही है। तो हम यहाँ कोई भी पीतल, तांबे या फिर कोई भी रेडीमेड चीज़ नहीं यूज़ करेंगे, जो भी है सारा कुछ घर का बना हुआ। चुके हैं यहाँ पर मम्मी, रानी, पीछे हमारी आरती की थाल, वहाँ चप्पू, यहाँ पीहू, यहाँ सुची, हम लोग सारे लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं राखी बांधने। हसा हसा भैया मेरे राखी के बंधन को चप्पू इधर गोदी में ले लो ना। चप्पू कितना पैसा देगा? चप्पू जी जैसे ही बोला भाई है, सबसे प्यारा भाई है, पैसा की जरूरत नहीं। मेरा फेवरेट भाई जी कमा नहीं रहा है चप्पू। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे, मेरी मम्मी बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है। तो
का करें। चलो छोटा वाला ये है मेरी DIY राखी। बड़ा भाई का, मेरे बड़े भाई, मेरा बड़ा भाई नहीं है, मेरे से छोटा है। उखाए बटन नो। अकस कैसा है DIY राखी? बढ़िया। अब चप्पू को राखी बंधेगी। चप्पू हैप्पी बर्थडे चप्पू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रक्षाबंधन चप्पू। ते चुप, तोर माई चुप, तोर बाप चुप, बोलो चुप। चप्पू हो गया। पैसा? अरे मिठाई खिला पहले। अच्छा सॉरी, ना मिठाई। पता कैसा बना? चप्पू का, चप्पू का, चप्पू का कट कर। अरे वाह, चप्पू कैसा है? राखी के बंधन को चप्पू, चप्पू मेरे तीन को राखी के बंधन को निभा। चलो टीका लगा, चप्पू को लगा दिए ऊपर लगा। चलो रह दे चावल, हम चिपका दे रहे। ये देखो तो मेरा चावल उखाड़ के खुद का चावल चिपका रही है। चुपका था। और ये मेरी राखी। तुम लोग? ये रही भर भर के राखियां। चप्पू कैसा है? मिठाई खा रहा है। चप्पू मिठाई खा रहा है। तो राखी वगैरह हमने बांध ली, अब हम आगे किचन पे, किचन में, सॉरी नॉट पे, मेरा कारण बड़ा था। की प्रिपरेशन हो चुकी है, बस थोड़ा सा, मतलब हमने इडली का बैटर बना लिया है, हमने वेजिटेबल्स चॉप कर लिए हैं। हाँ, हिंदी नहीं इंग्लिश बोलो। ओहो, हमने वेजिटेबल्स चॉप किए, हम सब्जियां नहीं काटते, हम वेजिटेबल्स चॉप करते हैं। आई डोंट नो, मे बी ब्लर हो रहा है पीछे से, महंगा कैमरा यू नो। देख रहे हो आप कितना स्टीम निकल रहा है इसमें से, देखना कितना सॉफ्ट है। वाव, गरम है अभी। दीदी पिज्जा खा के कैसा लगा? बहुत अच्छा। सो ये हमारा सांभर रेडी है। ये भारी है तो दी इसे उठा के रख रही है, और हमने अभी तक दूध भी नहीं बैठाया था, सुबह से आया हुआ है ये। तो फाइनली अब ये जो इडली है ये लास्ट है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा बैटर बना लिया था ना, बट कोई बात नहीं है, आज वैसे भी हम सब दिन भर बहुत थक गए हैं। कितना इडली बना? तो हाँ वेट, मैं दिखाती हूँ कितनी सारी इडली बनी है। देख ये देखो, इतनी सारी इडली, और इसमें से अभी मम्मी ने, पापा ने और भाई ने खा भी लिया है बस, मैं और सुच्ची भी खा चुकी है, ये खड़ी होकर बता रही कि मैं भी खा चुकी हूँ, और इसमें बस मैं और रानी बची हुई है अभी खाने के लिए। तो ये रात तक का तो कोटा फुल, अब हमें कोई काम नहीं करना है, फोटोज भी खींचने हैं, अब हमें फोटोज लेने हैं, बट शक्ल की हालत नहीं है कि हम फोटोज लेंगे। हमारा वैसे तो मैंने मेकअप नहीं किया है, बस बेस पे तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आईलाइनर है, आईब्रो है, लिपस्टिक है, नथिंग। तो अब मैं इडली कंप्लीट करके देन आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ। तो ये रेडी हो गई है हमारी इडली। इट्स यम, इट्स माइंड ब्लोइंग। मम्मी तुमसे ज़्यादा इडली अच्छी हमने बनाई है, सो प्राउड ऑफ अस। वेट, अभी बादाम की चटनी बाकी है। बहुत टेस्टी है, तो मैं सब फटाक से पहले खा लेती हूँ। तो हमने लंच कर लिया, लंच क्या, ब्रेकफास्ट भी वही था, लंच भी वही था, उसके बाद हम सारे लोग सो गए थे, और मम्मी अभी अनवेल है थोड़ी, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती, बट शी डिड हर बेस्ट, और इतना तबीयत ख़राब होने के बावजूद इसने आज दिन भर काम किया, तो थैंक यू। अगर ये नहीं होती तो हमारा कुछ भी नहीं बनता। कितनी रूड है मम्मी। चलो रसगुल्ला खा लो। इसे डायबिटीज है, और मैं ना यहाँ पर जो हमने गुलाब जामुन बनाया था मैं वो लेकर आई हूँ, और इसकी नज़र ना उस गुलाब जामुन पर है, कब इसे थोड़ा सा मिलेगा। चुप रहो। पिछले बार क्या हुआ था ना, मैं आप लोगों से एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले। हमने गुलाब जामुन बनाया,
और हमें क्या पता ये चोरी करके खाती है। हमने गिन करके नहीं रखा था। और फिर लास्ट में जब हमें पता गुलाब जामुन तो कम लग रहा है, तो शी सेड कि मैंने खा लिया था तुम लोगों से बिना बताए, क्योंकि तुम लोग इतना इतना सा देती हो। तो दिस इज वेरी बैड मॉम। इस बार हम गिन के रखे हैं। इस बार एक को खानी है बताओ। अभी तक तो एक भी नहीं खाई है। नहीं नहीं अभी अभी झूठ बोल रही है। तो अभी रुको मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ ये गुलाब जामुन। वेट 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 वेट, यहाँ हमारा गुलाब जामुन, इसका कलर कितना खूबसूरत है और ये बहुत सॉफ्ट। तो इसने इतना मेहनत किया मम्मी ने, तो इसे इतना सा मिलेगा, इतना सा खा लिया पक्का नहीं खाना। तुम सही में चोरी करके खाई हो, ये चोर नहीं औरत है। कोई बात नहीं, मैं टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को। गुलाब जामुन बहुत अच्छा बना है और आज का राखी का ब्लॉग यहीं एंड होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बहुत सारा शेयर करें। बाय बाय मम्मी, बाय बोलो, बाय बाय बाय।